कहानी की शुरुआत में हमें गॉड एंड किलर के बारे में बताया जाता है, जो कि लोगों को बेरहमी से मार रहा था। फिर हम एजेंट वीजली को देखते हैं, जहां वो एक एम्बुलेंस को बिल्डिंग के बाहर नोटिस करता है, जिसके बाद वो एजेंट ग्रीफन को जाकर मिलता है, जो कि उसे इन्फॉर्म करता है कि आपसे मिलने फैंटम मीक्स नाम का आदमी आया है, जिसे मैंने ठीक से देखा तो नहीं, पर इसके पास गॉड एंड केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपसे शेयर करना चाहता है। इसके बाद वीजली अपने कैबिन में फैंटम मीक्स को मिलता है, जहां वीजली उससे हैंडशेक करने ही लगता है कि तभी वो वीजली की मॉम और उसकी फोटो दिखाकर हैंडशेक को टाल देता है, जिसके बाद वो एजेंट वीजली को कहता है कि मैं गॉड एंड केस के किलर को जानता हूं। लेकिन ये सुनकर वीजली हंसते हुए फैंटन को कहता है कि तुम किलर को कैसे जानते हो। फिर फैंटन यह रिवील करता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई एडम मीक्स है, जो कि अब तक सारे खून कर रहा था। इसके बाद फैंटन वीजली को एडम की कॉल के बारे में बताता है, जहां एडम फैंटन को कहता है कि पूरी दुनिया में डीमंस कब्जा कर रहे हैं, जिससे दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है, और जब मैं मर जाऊं मुझे थर्मन रोज गार्डन में दफना देना। और यहां पर ये एक प्रॉमिस था जो कि एडम ने फैंटन से लिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को थर्मन रोज गार्डन में दफना देना। खैर, इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो कि काफी परेशान था, और आखिर में एडम खुद को शूट कर मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर वीजली और फैंटन की तरफ मुड़ता है, जहां फैंटन की बातों में वीजली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते फैंटन उसे कहता है कि एडम मर चुका है और मैंने उसकी बॉडी को थर्मन रोज गार्डन में दफना दिया है। अब ये कहानी को वेरीफाई करने के लिए वीजली थर्मन टाउन के पुलिस स्टेशन में कॉल करता है, जहां बेकी नाम की फीमेल ऑफिसर वीजली की कॉल को अटेंड करती है, जिसे वीजली वहां के शेरिफ से बात करवाने को कहता है। लेकिन शेरिफ के अवेलेबल ना होने के कारण वीजली बेकी से ही फैंटन के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद फीमेल ऑफिसर वीजली को बताती है कि फैंटन हमारे यहां के हॉस्पिटल से अपने भाई की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में चुरा कर भाग गया था। अब इस वेरिफिकेशन का रीजन ये था कि वीजली वहां के शेरिफ से एडम नाम के आदमी की सुसाइड इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, जिससे वो फैंटन पर यकीन कर सके। अब ये स्टोरी सुनकर वीजली को फैंटन पर यकीन हो जाता है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि एडम गॉड हैंड किलर है, जिसके चलते फैंटन वीजली को अपनी कहानी सुनाता है। फिर कहानी फैंटन के बचपन से शुरू होती है, जहां समर 1979 में हम छोटे एडम और फैंटन को देखते हैं, जो कि स्कूल से घर वापस जा रहे थे, और यहीं हम थर्मन रोज गार्डन को भी देखते हैं, जिसके ठीक पीछे उनका घर था। फिर यहाँ हम फैंटन फैमिली के बारे में जान पाते हैं, जहाँ एडम फैंटन से 3 साल छोटा है, जिसका जन्म होते ही उनकी मॉम की डेथ हो गई, और इनके डैड मिस्टर मीक्स एक मैकेनिक हैं। अब यहाँ पर मीक्स फैमिली में तीनों का दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फैमिली हैप्पी रहती है। और अचानक से एक रात मिस्टर मीक्स अपने बच्चों के पास आते हैं, जहाँ वो उन्हें कहते हैं कि एंजल्स यानी कि फरिश्ते मेरे पास आए थे, जिन्होंने कहा कि डीमंस दुनिया पर जल्दी ही अटैक करने वाले हैं, जो कि इंसानों के रूप में घूम रहे हैं, और उनसे दुनिया को बचाने के लिए गॉड ने मीक्स फैमिली को चुना है। और इसी के साथ मिस्टर मीक्स उन्हें ये भी कहते हैं कि एंजल्स ने हमें गॉड हैंड का नाम दिया है, यानी कि भगवान का हाथ। लेकिन एडम इससे डर जाता है, पर मिस्टर मीक्स एडम और फैंटन को समझाता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, अगर किसी को भी पता चला तो डीमंस हमें भी मार देंगे, और जल्दी ही एंजल्स हमारे लिए 3 वेपन्स भेजेंगे। और ये सुनकर एडम खुद को सुपर हीरो समझने लगता है और अपने डैड की बातों को सच मान लेता है। फिर मॉर्निंग में मिस्टर मीक्स बच्चों को स्कूल के लिए ले जाते हैं। अब यहाँ पर फैंटन को लगने लगता है कि शायद उसने रात कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन स्कूल के पास ड्रॉप होते ही फैंटन की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है, जहां उसके फादर उन्हें कहते हैं कि रात हुई बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब ये सारी बातें फैंटन को काफी परेशान कर रही थी, क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अच्छे बुरे की समझ थी। फिर मिस्टर मीक्स को काम पर जाते हुए एक रोशनी दिखती है, और यही रोशनी के साथ एंजल्स उससे मिलने आए थे, जिसे फॉलो करते हुए मिस्टर मीक्स को एंजल्स द्वारा भेजे गए 2 वेपन्स मिल जाते हैं, जिन्हें लेकर वो घर जाता है, और जल्दी ही मिस्टर मीक्स को 3रा वेपन भी मिल जाता है। फिर काफी दिन बीतने के बाद मिस्टर मीक्स समझ जाता है कि फैंटन इन सब बातों में यकीन नहीं कर रहा, जिसके चलते वो फैंटन को कहता है कि मुझे एंजल्स ने 7 डीमंस की लिस्ट दी है, जिन्हें हमें मारना होगा। लेकिन फैंटन उसे कहता है कि ये आपका सपना भी तो हो सकता है, पर मिस्टर मीक्स उल्टा उसे ही समझाने लगता है, क्योंकि काफी बार उससे मिलने एंजल्स आ चुके हैं। फिर एक दिन मिस्टर मीक्स अपना पहला शिकार लेकर आता है, जिसे वो जैक्सन वैली से
उठाकर लाया था, जो कि एक नर्स थी, जिसे छूकर मिस्टर मिक्स डीमन को कंफर्म करता है कि ये सच में एक डीमन है या नहीं। और उसे टच करते ही मिस्टर मिक्स को विजन्स आने लगते हैं, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये एक डीमन है। और उसी टाइम मिस्टर मिक्स उसे मार देता है। इसके बाद वो उसके टुकड़े कर थर्मन रोज गार्डन में दफना देता है। अब ये बातें सुनकर विजली फेंटन को लेकर थर्मन रोज गार्डन की तरफ बढ़ने का तय करता है। और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां मिस्टर मिक्स अपने अगले शिकार को फॉलो कर रहा था और उसे पकड़ने के लिए वो फेंटन की मदद लेता है, लेकिन इससे फेंटन पूरी तरह डर जाता है। फिर सेम रिचुअल से मिस्टर मिक्स उसे भी मार देता है। अब ये सब हादसों के बाद फेंटन एडम को लेकर यहाँ से भागना चाहता था और इस बात को वो एडम से भी शेयर करता है, लेकिन एडम अपने डैड को पूरी सपोर्ट कर रहा था, जिसके चलते वो फेंटन की कंप्लेंट कर देता है। अब गॉड पर भरोसा ना होने के कारण मिस्टर मिक्स फेंटन को सजा देने का तय करता है, जहां वो फेंटन को एक बड़ा सा खड्डा खोदने को कहता है, ताकि इस काम से डरकर फेंटन गॉड पर यकीन करने लगे। और फेंटन काफी दिन लगाकर काम को खत्म कर लेता है, लेकिन गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता। और काम खत्म होते ही मिक्स फैमिली उस खड्डे पर एक शेड को शिफ्ट कर देती है और इस शेड में अब से सारे डीमंस को मारा जाएगा। जिसके बाद मिस्टर मिक्स एक नए विक्टिम को लेकर आते हैं, जिसे डरकर फेंटन नजदीकी के पास भाग जाता है, लेकिन वो फेंटन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये बच्चा कोई खेल खेल रहा है। और ये पागल गलती से उसे मिस्टर मिक्स के पास ले आता है, जहां वो शेड को चेक करने लगता है, जस्ट फेंटन को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि पुलिस कामचोर है। खैर, यहाँ पर शेरिफ को कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके बाद वो यहाँ से जाने ही लगता है कि तभी मिस्टर मिक्स उसे भी मार देता है, जिसका पूरा गुस्सा वो फेंटन पर निकालता है कि तुम्हारी वजह से मैंने एक आम इंसान को मार दिया। अब यहाँ पर मिस्टर मिक्स को लगने लगता है कि फेंटन के अंदर डीमंस हैं, जिसके कारण वो गॉड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और उसे सबक सिखाने के लिए मिस्टर मिक्स उसे शेड में भूखा प्यासा बंद कर देता है। और काफी दिन ऐसा रहने के कारण फेंटन बीमार पड़ जाता है, जिसे मिस्टर मिक्स होश में लाने की कोशिश करता है। और होश में आते ही फेंटन अपनी फैमिली को कहता है कि मेरे पास एंजल्स आए थे, यानी कि फरिश्ते, और उन्होंने आपकी तरह मुझे भी गॉड हैंड के लिए चुना है। अब ये सुनकर मिस्टर मिक्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जिसके बाद वो एक न्यू विक्टिम को अपने घर के शेड में लेकर आता है और रिचुअल के हिसाब से मिस्टर मिक्स उसे छूकर डीमंस को कंफर्म करता है। और इस बार उसे मारने का काम वो फेंटन को देता है, जो कि थोड़ा सोचने के बाद अपने डैड को ही मार देता है। अब मिस्टर मिक्स के मरते ही फेंटन विक्टिम को खोलने ही लगता है कि तभी एडम उसे मार देता है और अपने डैड के काम को पूरा करता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां फेंटन वीजली को कहता है कि मेरे डैड और एडम ने बहुत से लोगों को मारा था, जिन्हें थर्मन रोज गार्डन में दफनाया गया, लेकिन उन्हें आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। फिर इसके बाद दोनों थर्मन रोज गार्डन में पहुंच जाते हैं, जहां एजेंट वीजली फेंटन को कहता है कि एडम ने तुमसे क्या प्रॉमिस लिया था, मुझे उसके बारे में एग्जैक्टली बताओ। और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां फेंटन और एडम मिस्टर मिक्स के मरने के बाद उसे रोज गार्डन में दफना देते हैं, जिसके बाद फेंटन एडम को कहता है कि मेरे मरने के बाद मुझे रोज गार्डन में दफना देना। और गुस्से में एडम फेंटन से प्रॉमिस करता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं रोज गार्डन में ही दफनाऊंगा। अब यहाँ पर वीजली को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, जिसके चलते वो फेंटन को कहता है कि एडम ने तो ये प्रॉमिस तुमसे लिया था। और अब यहाँ पर असली पत्ते सामने आते हैं, जहाँ फेंटन रिवील करता है कि वो फेंटन नहीं बल्कि एडम है, जिसके बाद वो उसे फेंटन की कब्र के पास लेकर आता है। और यहीं एडम रिवील करता है कि गॉर्डन केस की न्यूज पूरी स्टेट में फैल रही थी, जिससे एडम को डर था कि फेंटन पुलिस को उसके बारे में सब बता देगा। और उससे पहले ही एडम ने फेंटन को मार दिया, क्योंकि पहले भी गॉर्डन किलर की खबर फेंटन की वजह से ही बाहर आई थी। और यही हमें मिस्टर मिक्स के सारे विजन्स को दिखाया जाता है, जो कि वो अपने विक्टिम को छूकर देखता था, और ये सब पावर एडम को उसके डैड से मिली। अब ये सब सुनकर एजेंट वीजली एडम पर गन तान देता है कि तुम एक राक्षस हो, लेकिन उसी टाइम एडम उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम का किलर अभी तक आजादी से घूम रहा है, जिसके चलते वीजली को गुस्सा आ जाता है और वो एडम पर अटैक कर देता है। लेकिन जल्दी ही एडम उसे कंट्रोल कर लेता है, जहां वीजली को छूते ही एडम को विजन्स आने लगते हैं कि वीजली ने ही अपनी मॉम को मारा है। अब यहां एडम वीजली को अपना गेम प्लान समझाता है कि क्यों वो फेंटन मिक्स बनकर उसके पास आया, क्योंकि वो भी डीमंस की लिस्ट में था। अब यहां इतने बड़े प्लान का मतलब ये था कि गॉड हैंड किलर अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करता, और क्योंकि वीजली एक FBI एजेंट था, इसलिए उसे मारने में इतनी प्लानिंग की गई।
खैर इसके बाद एडम वीजली को मारकर दफना देता है और काफी दिन बीतने के बाद एफबीआई को वीजली की कोई खबर नहीं मिलती, जिसके चलते सारा शक फेंटन मीक्स पर आ जाता है क्योंकि आखिरी बार फेंटन ही उसे अपने साथ लेकर गया था और उसी के बाद वीजली गायब हो गया। अब यहाँ पर सारी टीम सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है जो कि क्लियर नहीं थी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एफबीआई टीम फेंटन मीक्स के घर पर रेड मारती है, जिन्हें गॉर्डन किलर के विक्टिम की लिस्ट मिलती है जिसमें एजेंट वीजली का भी नाम था और इसके अलावा उन्हें वीजली का बैच भी मिलता है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि वीजली भी मर चुका है। फिर इसके बाद एजेंट ग्रीफन बेकी के पास जाता है जहां वो शेरिफ एडम से मिलता है जो कि फेंटन का भाई है। यहां वो एडम को फेंटन के बारे में बताता है कि तुम्हारा भाई फेंटन ही गॉड हैंड किलर है, अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें बताना। फिर एजेंट ग्रीफन से हैंडशेक करते हुए एडम उसे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और उसके जाते ही हमें पता चलता है कि प्रेग्नेंट बेकी एक्चुअल में एडम के साथ मिली हुई है जो कि उसकी वाइफ भी है, और ये दोनों ने मिलकर वीजली को अपने प्लान में फंसाया। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो बात करते हैं इसकी एंडिंग की। कहानी में मिस्टर मीक्स की वाइफ मर चुकी थी और उसका दुनिया में बच्चों के अलावा कोई नहीं था, जिसके चलते वो अकेला पड़ चुका था, जहां धीरे धीरे मिस्टर मीक्स दिमागी तौर से बीमार पड़ रहा था। लेकिन एक धार्मिक इंसान होने के कारण उसके दिमाग ने डीमंस और एंजल्स जैसी इमेजिनेशन को जन्म दिया, जिसे वो सच मानने लगा और आखिर में सिचुएशन ने उसे एक किलर बना दिया। तो अब बात करते हैं एडम की। वो तो दिमागी तौर से ठीक था लेकिन वो फेंटन से काफी छोटा था, जिसे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी, और एडम अपने फादर को देखकर उसके जैसा ही बनना चाहता था, जिसके चलते एडम दूसरा मिस्टर मीक्स बन गया, जहां वो अपने फादर की तरह लोगों को छूकर डीमंस को देख सकता था। और इसीलिए एडम ने वीजली से पहली मुलाकात में हैंडशेक नहीं किया, अगर वो ऐसा कर लेता तो एडम वहीं पकड़ा जाता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मिस्टर मीक्स और एडम एक साइको किलर थे और इसमें एंजल्स और डीमंस जैसा कुछ नहीं था, और रही बात विजन्स की, वो सिर्फ उनका एक भ्रम था।